नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बरार खबर शिवपुरी जिले के बरार से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसडीएम शिवदयाल धाकड़ और तहसीलदार संतोष धाकड़ ने बरार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मौजूद मरीज और डिलीवरी प्रसूताओं से ली जानकारी कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, क्या इलाज आपको सही टाइम पर मिल रहा है और इस कड़ाके की सर्दी में आपको कम्बल वगैरह मिल रहे हैं या नहीं, तो जानकारी निकलकर सामने आई कि बरार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई व्यवस्थाओं की कमी पाई गई, जिसके लिए एसडीएम शिवदयाल धाकड़ व तहसीलदार संतोष धाकड़ ने प्रभारी डॉक्टर दीक्षांत और डॉक्टर नवोदित अवस्थी के साथ सारे स्टाफ को बुलाकर जानकारी ली। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और बाद मांग की कमियों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने कहा कि हमारे विभाग से जो होगा वो जल्द ही करा दिया जाएगा। जब तक बरार नगर परिषद सीएमओ महेश जाटव भी पहुंच गए और कई जानकारियां दी। एसडीएम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संतोष ठाकर बरार तहसीलदार और प्रभारी डॉक्टर दीक्षांत को बरार में चल रहे सभी वैध एवं अवैध पैथोलॉजी लैबों की जांच करने के आदेश दिए। बरार से खबर समय जगत के सतीश ठाकर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.